मूवी के स्टार्टिंग में हमें सॉन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ प्लेन में बैठकर मॉस्को जा रहा था। वहां पर एक कंपनी से मिलने जिसे वो अपने सॉफ्टवेयर को बेचने वाला था। फिर जब दोनों दोस्त आसमान में प्लेन में होते हैं तो प्लेन की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और पायलट ये अनाउंस करता है कि अभी अभी मैग्नेटिक वेव का एक झटका आया था, पर घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि वो सारे पैसेंजर सेफ हैं। फिर मॉस्को पहुंचने के बाद वो दोनों दोस्त उस कंपनी के एड्रेस के पास पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका पार्टनर पहले ही उनके सॉफ्टवेयर को चोरी करके किसी और दूसरे कंपनी को बेच चुका है। ये जानकर दोनों दोस्त शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक क्लब में जाते हैं अपना दुख दूर करने के लिए। वहाँ जाके वो नेटली और उसकी फ्रेंड से मिलते हैं जो उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करने वाली थी। फिर वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तभी क्लब की लाइट्स चली जाती है और फिर वो चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि ऊपर से येलो लाइट्स धीरे धीरे नीचे आ रही थी और इसे देखकर लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि ये सीन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर एक येलो लाइट्स उनके बीच में आके उतरती है और वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उस लाइट को छूते ही वो पुलिस ऑफिसर राख में बदल जाता है और मर जाता है। और यही हमें पता चलता है कि वो एलियंस थे और उनके येलो लाइट्स एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड है जो उन्हें बाहरी खतरों से बचाती है। पुलिस ऑफिसर को मरता देख वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर वो एलियन वहाँ मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है और वहाँ 5 लोग बच के भागते हैं जिसमें सॉन, उसका फ्रेंड और उसका बिजनेस पार्टनर और नेटली और उसकी फ्रेंड होती है। फिर वो लोग भागते भागते क्लब के स्टोर रूम में चले जाते हैं और वहाँ छुप जाते हैं। बाहर खतरा होने की वजह से वो लोग बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। कुछ दिन वहाँ बीत जाते हैं और धीरे धीरे उनका खाना खत्म होने लगता है, पर मजबूरी में वो लोग बाहर निकलते हैं और अमेरिकन एम्बेसी जाने का प्लान बनाते हैं। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो उनको एक भी जिंदा इंसान नहीं दिखता और डर कर वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हें आगे एक लेडी दिखाई देती है जो अपने विंडो को सील कर रही होती है। वो लोग उनसे एम्बेसी जाने का रास्ता पूछते हैं और लेडी उन्हें वार्न करती है और कहती है कि जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ वरना एलियंस तुम्हें मार देंगे। फिर वो लोग एम्बेसी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें पुलिस की एक गाड़ी मिलती है और वो लोग उसे सर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग जरूरत का सामान ढूंढ रहे होते हैं तभी एलियंस वहाँ आ जाते हैं और सॉन अपने दोस्त को कहता है कि जल्दी से गाड़ी के पीछे छुप जाओ क्योंकि वो एलियंस इंसानों को हीट एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख सकते। और जब वो एलियंस वहाँ आते हैं तो उन दोनों दोस्तों को नहीं देख पाते और यहाँ वो दोनों बच जाते हैं। फिर वो लोग एक मॉल में पहुंचते हैं और एक क्रैश्ड प्लेन को देखकर वो समझ जाते हैं कि प्लेन के जरिए वो लोग मॉस्को से अमेरिका नहीं जा सकते। फिर वो लोग रात के टाइम यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी सॉन कहता है कि अगर हमें पता लगाना है कि एलियंस हमारे पास हैं या नहीं तो हमें कोई बल्ब जैसी चीज अपने पास रखनी होगी, क्योंकि जब वो पुलिस की कार के पास था तब एलियंस के नजदीक आते ही पुलिस के लाइट्स और हॉर्न बजने लगे थे। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ फूड और क्लॉथ्स कलेक्ट करने लगते हैं तभी उनका बल्ब फ्लिकर करने लगता है। वो समझ जाते हैं कि एलियंस नजदीकी हैं। फिर सॉन और नेटली दोनों एक ग्लास के पीछे छुपने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ग्लास सभी वेव को रिफ्लेक्ट करता है और वो एलियंस इनको नहीं देख पाएंगे, और ठीक ऐसा ही होता है और वो बच जाते हैं। फिर रात में जब वे लोग अमेरिकन एम्बेसी पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं होता और वो लोग दुखी हो जाते हैं। फिर वहाँ उन्हें एक रेडियो मिलता है जिसमें रशियन लैंग्वेज में एक ब्रॉडकास्ट हो रहा था, पर वो अमेरिकन होने की वजह से वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। तभी उनका पार्टनर घबरा जाता है और उन्हें वहाँ छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ एलियंस आ जाते हैं और उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है राख बनकर। फिर हमारे हीरो को पास की एक बिल्डिंग में लाइट्स जलती नजर आती है और वो लोग उस रेडियो को लेकर वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं ताकि उनसे रेडियो के मैसेज को ट्रांसलेट करवा सके। सामने वाली बिल्डिंग में पहुँचने के बाद उनकी मुलाकात 2 और लोगों से होती है और वो आदमी एक इलेक्ट्रिशियन होता है और उसने अपने पूरे फ्लैट को स्टील के रॉड से कवर किया होता है, इसलिए वो लोग अब तक जिंदा है। फिर वो इलेक्ट्रिशियन उनको अपना हथियार दिखाता है जो एक हाई डेंसिटी माइक्रोवेव छोड़ती है जिनकी मदद से उन एलियंस को मारा जा सकता है क्योंकि ये गन उनकी एनर्जी शील्ड को तोड़ देगी। फिर सॉन रेडियो में रिकॉर्डेड मैसेज को ट्रांसलेट करने को कहता है और वो लड़की मैसेज सुनकर कहती है कि ये मैसेज रेस्क्यू मैसेज है मिलिट्री वालों की तरफ से और एक सबमरीन समंदर के करीब सर्वाइवल का इंतजार कर रही है और वहाँ पर कुछ अमेरिकन सबमरीन भी मौजूद है जो कल सुबह तक यहाँ से रवाना हो जाएगी। और अब उन चारों के पास यहाँ से निकलने के लिए कुछ घंटे ही बचे थे और उनको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो लोग जरूरी सामान लेने लगते हैं तभी एक एलियन उनकी एनर्जी को देख लेता है और उन पर हमला करने को बढ़ता है और लाइट्स को जलता देख ये लोग भी समझ जाते हैं कि एलियंस उनकी तरफ ही आ रहा है। फिर वो लोग वापस उस फ्लैट में आते हैं और जल्दीबाजी में रूम का दरवाजा लगाना भूल जाते हैं और एलियंस अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो इलेक्ट्रिशियन अपनी बनाई गन से उस पर फायर करता है जिससे एलियन जख्मी हो जाते हैं और जब वो दोबारा फायर करने वाला होता है तब उसके गन की बैटरी खत्म हो जाती है और वो एलियन उस इलेक्ट्रिशियन को भी राख बना
सुना देता है। फिर नेटली और उसकी फ्रेंड एलियन से बचकर भाग रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड एलियन के हाथों राख बन जाती है और मर जाती है, और बचे हुए लोग वहां से बचकर बाहर निकलते हैं। वो भागने लगते हैं, तभी कुछ पुलिस वाले लोग उन्हें वहां मिलते हैं और वो लोग उन्हें उनके पीछे आने को कहते हैं। तभी वहां एक एलियन आ जाता है और पुलिस उन पर अटैक करने लगती है, और कुछ देर के लिए एलियन कमजोर हो जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी उसका एक टुकड़ा वहां गिर जाता है और शॉन उसे रख लेता है। फिर वो लोग पुलिस के घर पहुंचते हैं और पुलिस उनसे कहती है कि वो लोग वहां सेफ हैं, पर शॉन कहता है कि वो लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते हैं, और पुलिस वाले भी उनके साथ सबमरीन तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो सारे लोग वहां से निकलते हैं और एक टनल के जरिए वहां पहुंच रहे होते हैं। तभी वहां एक एलियन आ जाता है और एक लड़की वहां पोल के पीछे फंस जाती है, और वो एलियन जैसे ही वो लड़की को मारने वाला था, तभी शॉन का फ्रेंड उसे बचा लेता है, और उसे बचाने के चक्कर में वो खुद एलियन के हाथों मारा जाता है। शॉन अपने फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरता देख शॉक रह जाता है। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, और वहां उन्हें एक शिप दिखाई देती है जिसके जरिए वो लोग सबमरीन तक पहुंच सकते हैं। शिप के अंदर जाके वो लोग थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी शिप एक झटके से रुक जाती है, और बाहर आते ही उन्हें पता चलता है कि धरती के अंदर से आग निकलकर ऊपर की तरफ जा रही है। यहां वो पुलिस वाला बताता है कि जमीन पर मिनरल्स हैं जिसे उन एलियंस के शील्ड को एनर्जी मिलती है, और वो एलियन सारे मिनरल्स को अपने प्लेनेट पर लेके जा रहे होते हैं। तभी एक बिल्डिंग टूट कर गिरती है और उनकी बोट पलट जाती है और सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। फिर वो सारे लोग तैर कर सबमरीन तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि नेटली ऊपर नहीं आई है, और शॉन कैप्टन को कहता है कि वो नेटली को लिए बगैर यहां से नहीं जाएगा। फिर वो लोग सबमरीन के अंदर जाके इलेक्ट्रिशियन वाले गन की एक कॉपी बनाने लगते हैं, और इस बार वो लोग बैटरी को बड़ी रखते हैं ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो, और फिर वो लोग नेटली को ढूंढने सबमरीन से बाहर आते हैं, और तभी उन्हें एलियन मिल जाते हैं और मौका पाके शॉन गन से एलियन पर फायर कर देता है, और इस बार बड़ी बैटरी के कारण एलियन जख्मी हो जाता है और इसकी शील्ड टूट जाती है, और मौका पाके बाकी लोग उस पर गन चलाने लगते हैं और वो एलियन मर जाता है, और वो लोग समझ जाते हैं कि एलियंस को कैसे मारा जाए। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग जमीन पर पानी फैला देते हैं, और जब सारे एलियंस पानी में आते हैं तो वो लोग पानी में हमला कर देते हैं और एक साथ एलियंस को मार देते हैं। उधर शॉन जैसे नेटली तक पहुंचता है तभी एक एलियन वहां पर आ जाता है और शॉन उस एलियन पर गन से फायर कर देता है और एलियन जख्मी हो जाता है, और शॉन दोबारा फायर करता है तो देखता है कि बैटरी डेड हो चुकी है और उसके पास कोई दूसरा गन भी नहीं था। फिर वो उस एलियन के टुकड़े को निकालता है और एलियन की तरफ फेंक कर मारता है और एलियन वहां मर जाता है, और फिर वो लोग सबमरीन के पास पहुंचते हैं पर पुलिस वाले लोग वहां से नहीं जाते क्योंकि मॉस्को उनका घर था, और अब तो वो लोग एलियंस को मारने का तरीका भी जान गए थे, और बाकी लोग सबमरीन में बैठकर वहां से अमेरिका के लिए निकल जाते हैं, और मूवी यहां खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।